बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। 23 मार्च यौम पाकिस्तान का रोज़ आज और मुसल्ला फ़ात की इस्लामाबाद में एक पुरवकार परेड की तकरीब हुई, जिसमें इस्लामी ममालिक के जो वज़राए खारजा हैं उनकी बड़ी तादाद ने शिरकत की और जो पाकिस्तानी अफवाज हैं उन्होंने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों का आज एक मरतबा फिर दुनिया के सामने भरपूर मुजाहरा किया। और आज का दिन इस अज़्म का दिन कि पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी जद्दोजहद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की थी, उसे उन्हीं के यानी अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के ख्वाब के मुताबिक ऐसा पाकिस्तान जहाँ सबको मसावी हुकूक, जमहूरी आज़ादी और आइनी तहफ़ हासिल हो, उसकी जानब पेशरफ्त करनी है। दूसरी जानब जो सियासी मामलात हैं वो आज भी यानी 23 मार्च के रोज़ भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर गर्मी रही। इमरान खान साहब ने जर्नलिस्टों से मुलाकात की, कहा कि इस्तीफ़ा नहीं दूंगा किसी भी सूरत में और अभी तो मैच शुरू हुआ है, आखिर बॉल तक लड़ूंगा, अपना जो ट्रंप कार्ड है वो आखिर वक्त में मैं शो करूंगा, सरप्राइज़ होगा अपोजिशन के लिए, अपोजिशन अपने तमाम पत्ते शो कर चुकी है, मैं अपना पत्ता जो है वो आखिरी रोज़ यानी जिस दिन तहरीक-ए-आज़म एतमाद पे वोटिंग होनी है उससे एक रोज़ कबल या उस रोज़ जिस दिन ये वोटिंग होगी उस दिन जाहिर करूँगा। साथ साथ एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनसे मशावरत तो दूर की बात है, मैं उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि ये आसिफ जरदारी साहब का कोई नज़रिया नहीं है, पैसा ही उनका नज़रिया है। हुकूमती इत्यादियों के बारे में भी वो कहते हैं कि 27 मार्च के बाद हुकूमती इत्तेहादी उनके साथ होंगे। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो भी महाज संभाले हुए है। आज अपोजिशन ने 23 मार्च के रोज़ कुव्वत अखुव्वत अवाम के नाम से एक मुश्तरका चार्टर जो है वो पेश किया है और जिसके अंदर डेमोक्रेसी, आइन की बालादस्ती, मीडिया की आज़ादी और जो एक शफाफ तरीके से तमाम जो इदारे हैं उनको पार्लियामेंट के ताबे करने की बात की गई है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी मालाकंड में जलसे आम से खिताब किया है और खासे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि अब सिलेक्शन नहीं होगा, जिस किस्म की बातें इमरान खान साहब करते रहे वो लाखों के जलसे को छोड़ें 173 अफराद का जलसा जो है वो करके दिखा दें। आज के प्रोग्राम में इस तमाम सूरत हाल पर ही गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब मोहतरम जनाब लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब फैज़ुल्लाह कमोका साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब, कौन सा ऐसा सरप्राइज़ है जो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब से, जो आखिरी रात को देंगे या जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन देंगे? वो कहते हैं आपके तमाम पत्ते शो हो गए हैं, तो एज पॉलिटिकल ओपोनेंट आपके ख्याल में इमरान खान साहब के पास कौन से पत्ते बचे? मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई अब शक नहीं रहा कि वो समझते हैं कि अगर वो वोटिंग से पहले एक दिन देखेंगे कि मेरे जितने भी हाथ पाँव मार रहे हैं इस वक्त, वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका हाथ पकड़ा जाए या कोई उनको कहीं से सपोर्ट मिल जाए, तो वो अगर नहीं कामयाब होते वोटिंग के एक दिन से पहले तो बड़ी आप सारी नजर आए रूल्स रेगुलेशन आइन कानून कायदा जो भी है जो सिस्टम है वो 172 वोट इनके पास नहीं रहे, मेजॉरिटी वो लूज कर गए हैं। अभी वो मेजॉरिटी उनकी है नहीं है नेशनल असम्बली में, रही नहीं है, खुलम खुला लोग सामने खड़े हैं उनकी पीटीआई के अपने लोग को जो 20 के करीब तो बिल्कुल ओपन है। तो इत्तेहादी जो है वो भी अगर इस वक्त अनाउंस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो इनके साथ नहीं है, क्योंकि इनके साथ तो पहले थे, उनको इनके साथ खड़ा होना चाहिए था लेकिन उन्होंने अपनी रोक ली है सपोर्ट की, हमने अभी सपोर्ट अपनी रोकी हुई है, मीनिंग भाई कि इत्तेहादी भी उनके साथ नहीं है। तो अब एक ही रास्ता बचा है कि वो देखेंगे अगर उनका कोई हाथ नहीं पकड़ता तो फिर वोटिंग से पहले उस शिकस्त से बचने के लिए या वो तारीख में एक जिल्लत अमेज का तारीख लिखी जाए कि वोटेड आउट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान नकाब तरीन और वोटेड आउट हुआ था। ये हिस्ट्री में आपको पता है कि ये वाकयात बहुत कम हिस्ट्री में होते हैं, तो उनसे बचने के लिए वो इस्तीफा ही दे सकते हैं जो सरप्राइज है कि वो हमारे लिए सरप्राइज होगा उस इस्तीफा, क्योंकि वो जो बढ़के मार रहे हैं जो कहते हैं इस्तीफा नहीं दूंगा मैं लड़ूंगा
आखिरी बाल तक लड़ूंगा, तो वो एक ही सरप्राइज है कि यकदम इस्तीफा देंगे और गेम ओवर हो जाएगी। तो मुझे तो यही लगता है, और आप नजर दौड़ा लें कि सरप्राइज क्या हो सकता है। इस्तीफे के अलावा राणा साहब कोई ट्रंप कार्ड उनके पास नहीं है, वो तो कहते हैं, और लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि पहले बहुत इत्तला थी कि शायद वो जलसा करें 27 मार्च को पब्लिक में इस्तीफा दे दें, लेकिन वो कहते हैं नहीं इस्तीफा भी नहीं दूंगा, सरप्राइज दूंगा। तो सरप्राइज क्या होगा ना, असेंबली तोड़ने का मशवरा भी नहीं दे सकते साहब। उनकी जो सियासी तारीख है वो यूटर्न से भरी पड़ी है, वो एक चीज बात करके उसे हटना या मुकर जाना या झूठ बोलना वो उनकी तारीख है। पीछे आप 4-5 साल पीछे ना जाएं, ये देखें कि वो उनके चलाएं ना, अभी क्लिप को चलाएं जो ये दिखाते रहे हैं कि टैक्स बढ़ाएं, गैस बढ़े, बिजली बढ़े तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। तो ये बातें सारी जो यू टर्न है वो सेंचुरी तो उन्होंने की हुई है। हर रोज बात करते हैं, अगले दिन उनको याद नहीं होता कि मैंने बात की क्या क्या की थी। तो मैं समझता हूँ ये उसी तरह की है कि जो अभी वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा, तो ये एक सेकंड में यू टर्न लेंगे और इस्तीफा दे देंगे और घर चले जाएंगे। और मुझे आप बता दें, आपकी नजरिया फैजुल्ला साहब हैं, ये बता दें कि क्या सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि ये किताब है जिसको आईन पाकिस्तान कहते हैं, रूल्स रेगुलेशन है, कानून कैद है, वो ये मेजोरिटी से प्राइम मिनिस्टर बनता है, ही लॉस द मेजोरिटी। अब उसके पास पीटीआई के लोग जो हैं 20 के करीब या उससे ज्यादा उनके उनको छोड़ गए हैं ओपनली, बाकी तो पता नहीं कितने हैं, तो इत्तेहादी उनके साथ नहीं खड़े। तो मैं समझता हूँ अब सरप्राइज क्या रह जाता है, एक ही रास्ता है कि कोई या तो मेरा हाथ पकड़े, अगर हाथ नहीं कोई पकड़ता तो फिर मुझे मैं इस्तीफा दे दूंगा, यही हो सकता है। कमोगा साहब क्या सरप्राइज होगा, राणा साहब कहते हैं बस अब इस्तीफा ही सरप्राइज रह सकता है, बाकी तो कोई और हमारी समझ में तो नहीं आ रही, अब मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, अब आप समझाएं सरप्राइज क्या होगा। देखिए जैसे कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, और डेफिनेटली उनके जेहन में कोई ना कोई गेम प्लान तो है। तो अभी इस वक्त मीडिया के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि मैं जो वोटिंग से एक दिन पहले बात करूंगा, तो वो वोटिंग से एक दिन पहले बात होगी, उससे पहले तो जाहिर है जब एक लीडर एक बात कर रहा है तो हमें हक नहीं है कि हम उस बात को जो है वो मीडिया के ऊपर करें। बाकी राणा साहब ने बातें की हैं, राणा साहब मेरे बुजुर्ग हैं, इनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बात इमरान खान साहब बड़े अरसे से कहते थे कि अभी इन्होंने यू टर्न की बात की है, तो वो बंदा बात करे जो किसी मॉरल ग्राउंड किसी इखलाकी ग्राउंड के ऊपर खड़ा हो तो वो बात कर ले, तो बिल्कुल मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं उस तरह से गुफ्तगू नहीं करता जिस तरह राणा साहब जो है वो अब कह रहे हैं। कोई इखलाकी जवाब इन लोगों के पास नहीं है, कोई देखें एक दूसरे को कहते रहे पेड़ फाड़ने का, कोई कहता रहा, कोई कहता रहा घसीटूंगा। तो अब मौलाना फजलुर रहमान को डीजल का जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम दिया था, तो ये मतलब सारी चीजें अब इनको वो सारी चीजें भूल गई हैं। सिर्फ एक चीज है कि चूंकि अब जैसे जैसे केसेस जो थे वो मैच्योर हो रहे थे और वक्त करीब आ रहा था, तो अब इनके पास और कोई चारा नहीं था, एनआरओ तो इमरान खान ने देना नहीं है किसी सूरत भी, हुकूमत रहे या ना रहे कोई किसी सूरत एनआरओ वाला कोई चक्कर नहीं था। तो इन्होंने अब इनके पास सिवाय इकट्ठे होने के और कोई चारा नहीं था। तो पहले दिन से खान साहब ये कह रहे थे कि जब वक्त आएगा तो जब इनके पांव जलेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे इकट्ठे होंगे और इन सब का इकट्ठे हमने मुकाबला करना है। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी चेंज आ रही है, मैं आपको बता दूं आने वाले वक्त में ये जितनी भी कदगने हैं जितने भी ये हमारे पॉलिटिशियन, हम असल में बीइंग पॉलिटिशियंस हम कोई अच्छा किरदार नहीं दिखा रहे। जो लोग तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए हैं, राणा साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अब बस कर देनी चाहिए इन चीजों की, इनको चाहिए कि ये खुद उनको कहें कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते ना। यानी अब 80 और 90 की दिहाई वाली सियासत खुदा का वास्ता क्या हम चेहरा दिखा रहे हैं लोगों को पॉलिटिक्स का। ये खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने ये तरमीम कराई है, ठीक है, और अब उसी की खुद खिलाफ वर्जी ये लोग कर रहे हैं, क्या मॉरल ग्राउंड है, कैसे ये सारा कर रहे हैं। ठीक,
खुर्शीद साहब, आप राणा साहब कहते हैं जो मुझे तो कुछ और नजर नहीं आता सिवाय इसके कि इमरान खान साहब यू टर्न लेके इस्तीफा दे दें, आपको कोई ऑप्शन नजर आता है? क्यों कहते हैं मैं ट्रंप कार्ड आखिरी रात को शो करूंगा? देखें, ये पॉलिटिकल गिमिक है, अब बाकी तो कुछ रहा नहीं है, तो जाहिर है कि अगर तो वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो भी वो सियासी शहीद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो ये कहते थे कि आप लेके आए नो अदम एतमाद लेके आए 24 घंटे के अंदर लेके आए और बार बार जो चैलेंज करते थे, अब ये भाग रहे हैं कि किसी तरीके से अदम एतमाद से इसको या तो मौखर किया जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी तरीके से सैबोटाज उसको करने की काविश की जा रही है, या फिर ये जो है स्पीकर के जरिए जो कौमी असेंबली के हैं, जिस तरह माशाल्लाह हमने देखी एक झलक सेनेट में झलक देखी कि हारे हुए को उसने जिता दिया और जीते हुए को जो है हरा दिया, तो या फिर कोई इस किस्म की कर रहे हैं, क्या सरप्राइजेस देंगे? अरे बाबा, देखें यू टर्न का जो शहनशाह है जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे ख्याल में जाना चाहिए, जितने यू टर्न किसी और दुनिया के सरबराह ने नहीं लिए होंगे जितने मोहतरम इमरान खान साहब ने ये पौने चार साल में यू टर्न्स लिए हैं। और फिर उस पर तुर्रा ये है कि यू टर्न कहते हैं, ये तो एक अजीम सियासी जो रहनुमा होता है, एक सियासतदान होता है, ये तो उसका तुर्रा इम्तियाज है यू टर्न लेना। अगर यही सियासत है तो माशाअल्लाह फतेहाना साहब हमें इखलाकियात के दर्स ना दीजिएगा। फैजुल्लाह कमोका साहब जो सॉरी कमोका साहब हमें ये जो है दर्स इखलाकियात के कम से कम ना दें, क्योंकि रियासत मदीना की विर्द लगाने से इंसान जो है वो ना तो दयानतदार बन जाता है, ना अमीन बन जाता है, ना सादिक बन जाता है, क्योंकि सादिक अमीन और रियासत मदीना के सरबराह का तो ये तुर्रा इम्तियाज है कि हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से कहा कि अगर मैं आपको कहूं है लोगों कि ये इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर है तो क्या आप मानेंगे? तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह बिल्कुल हम मानेंगे, इसलिए कि जिंदगी में आपने कभी जो है दरोगोई से बयान नहीं फरमाया, तो इसलिए कोई और तो ना साथे कर सकता है, ना दरोगोई करनी है जी, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो ना, अगर आपने जो है झूठ बोलना है हर चीज में, आपने जो है उसको बैक यू टर्न मारना है, हर चीज से इनाराफ करना है, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, अगर इस बात पे करना है, करोड़ नौकरी देनी थी आपने करोड़ों को बेघर कर दिया, आपने 50 लाख घर देने थे आपने 50 लाख लोगों की छत जो है छीन ली, आपने जो है कशकोल का प्याला तोड़ना था, खुदकुशी करनी थी आपने, IMF में नहीं लेना था, आप ड्रम लेकर दुनिया सारी में भीख मांगते चले रहे हैं, चलते रहे हैं, और आपने जो है पाकिस्तान की इज्जत और नामूस और खुद मुख्तारी को भी खाक में मिला दिया जब आपने स्टेट बैंक IMF के ताबे कर दिया, और आपने जो है रियासत मदीना करते करते आपने तो रियासत पाकिस्तान को भी तबाह हाली के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया, तो फिर क्या और सरप्राइज देंगे मुझे बताएं? साइज को सरप्राइज तो यही दे सकते हैं ना कि अच्छा जी मैं सॉरी, ये माफी मांगे कौम से कि मैं नहीं इदराक कर पाया था अपनी 27 साल की जिद्दोजहद बकौल उनके कि उसमें मुझे इदराक नहीं था कि गवर्नेंस कैसे की जाती है, और मैं कौम से माफी मांगता हूं जो मैंने वादे किए थे मैं वादा एक भी पूरा नहीं कर सका हूं, इसलिए मैं मुस्ताफी होता हूं और मैं जो है सियासत से दस्तबरदार। यही राणा साहब कह रहे थे कि और कोई और ऑप्शन तो बजाहिर नजर नहीं आता। राणा साहब, ये जो बात फैजुल्ला कमोका साहब ने की है इस पर जरा रिस्पॉन्ड, क्या आप तरमीम लेके आए फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ और अब आप PTI के ही लोगों को अपने तरफ गले लगा रहे हैं, वो कहते हैं आपको तो इनको धुतकारना चाहिए ताकि ये ट्रेंड और ये सियासत खत्म हो? देखिए कमोका साहब का मैं बहुत इत्राम करता हूँ, ये जिस तरह इनको पता है, लेकिन ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर ने यू टर्न लिए हैं, उन्होंने वादे करके वो मुकर गए हैं या पूरे नहीं किए या वो झूठ बोलते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं कर रहा कोई किसी की पर्सनल हो, ये सियासी बातें हैं जो कि बिल्कुल हैं, इसका कोई रिकॉर्ड पे है, ये तो टीवी वाले रोज दिखाते हैं ऑन के, बाकी रहा के जी ये कहते हैं जी कि वो फलाने ने ये कर दिया था डीजल कहा था किसी ने किसी, देखे सियासी तौर पर जो बातें होती हैं, इनके अपने लीडर ने नवाज शरीफ साहब को मसीहा कहा, उनको कहा कि जितनी काम जितनी डेवलपमेंट वो आपके क्लिप आप ही दिखाते हैं जी।
नवाज शरीफ साहब की वास्कट के रुमाल ठीक करते हुए तस्वीरें आपने दिखाई हैं। मौलाना फजल रहमान को वोट दिया था सदारती इंतखाब में 2000 जी, मुशर्रफ साहब के साथ खड़े रहे, ये बातें छोड़ें। आज उनको सारी बात याद आ गई है, करप्शन भी होती है, करप्शन के इनके चर्चे, मैं कहता हूँ मेरे इलाके में आजकल सोशल मीडिया पर भी है बड़ा स्ट्रॉन्ग केस सादक अमीन वाला के, वहां पे जमीन किसी औरत से पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली इनके वाले साहब ने, और फिर वो 2002 में या 4 में ट्रांसफर कर दी अपने बच्चों को, इंक्लूडिंग इमरान खान और इनकी बहनें। वो सारा देखे ना वो केस, वो तो फाइलें मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे फरोज वाले में बहुत सारा कुछ हुआ है, और वो 70 लाख केबल फिर ट्रांसफर कर दी। तो ये बात ना करें, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, हम सियासी बात करते हैं, वो यू टर्न लेते हैं, गलत बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, कौम को धोखा देते हैं, तो ये वो बात तो अपनी जगह। बाकी रहा के जी इन्होंने कहा है, कुछ लोग 63A का जो हवाला देते हैं कि हमारे टिकट पे पीटीए के टिकट पे बहुत सारे लोग नहीं इलेक्ट हुए, बासित बुखारी इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए, इनका बल्ले का तो एक वोट नहीं पड़ा, पीटीए के मुकाबले में वो इलेक्ट हुआ है, इस तरह बट्टू इलेक्ट हुआ है इंडिपेंडेंट, इस तरह बहुत सारे होंगे, वो तो पीटीआई के खिलाफ बल्ले के वोट के खिलाफ उनको वोट मिला। लेकिन बात ये है कि अगर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए छोड़ रहे हो तो फिर तो ठीक है, अगर वो गवर्नेंस का उनका मसला हो, उनका अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज का मसला हो, पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा हो हुकूमत की, तो वो सेक्रीफाइस अपनी सीट करने को तैयार है। वो 63A का जो कंसिक्वेंसेस हैं फ्लोर क्रॉसिंग के, इनके खिलाफ वोट डालने के, वो सजा लेने को तैयार है। तो इससे बड़ी सेक्रीफाइस क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि हम डी सीट होने को तैयार है, हम इनके खिलाफ वोट देंगे। तो मेरा हाल यही मैक्सिमम है ना, या तो ये है ना कि बड़ा एक देखे फ्लोर क्रॉसिंग के लिए एक सजा रख दी, वो सजा लेने के लिए तैयार है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान इस वक्त डूब रहे हैं, हमने बचाना है, हमें सीट सूट का कोई गर्ज नहीं है। तो मैं समझता हूँ मौका साहब अच्छे आदमी है, इनको भी चाहिए कि आगे बढ़े, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें जिसमें फंसा हुआ है। इनको अपने वोटर की आवाज नहीं पता चलती इनके हल्के से कि आवाज क्या आ रही है, चीख चीख के जोड़ियां ठाठा के दुआएं मांग रहे हैं कि इमरान खान से जान छूटे जितनी जल्दी, हमें कहते हैं जान छुड़ाए, ये बात करते हैं, हमें तो असेंबली में इनके बंदे कहते थे, हमने उनको नहीं इंस्टिगेट किया, सही। वो कहते थे आगे बढ़ेंगे हम, जान छुड़ाए, ये इनके MNAs 1.5 साल से कह रहे हैं कि जी आगे बढ़े, क्यों नहीं बढ़ते, हम आपके साथ हैं, हमने तो फिर भी इनको 1.5 साल दिया है कि शायद सुधर जाए, अपनी गवर्नेंस बेहतर कर ले, अपनी पॉलिसीज बेहतर कर ले, अब फेस करें। अब जो हिले बहाने टेक्निकल ग्राउंड्स, आज OIC आ गई है, आगे ले जाएं, वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जो स्पीकर साहब हैं अब कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहते हैं हम इनको रेफरेंस ले गए हैं कि ये वोट हम गिने ना, कास्ट ना करने दे, यार ये कहाँ का असूल है, एज लॉन्ग एज एनीवन इज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली ही हैज ऑल द राइट टू कास्ट, ये तो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी, राणा साहब अब तो खुद कोर्ट में भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी अटॉर्नी जनरल ने कहा, टेलीविजन इंटरव्यूज में भी कहा कि भाई आप रोक ही नहीं सकते, कभी लाइफ 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 उनको थ्रेट देते हैं मेंबर्स को, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन, यार खुदा के लिए आप क्या बात कर रहे हैं, वहां लिखा है कि वो जो वोट देगा ये अगेंस्ट वो डी सीट हो जाए, दैट्स ऑल जी, ठीक, वो फिर इलेक्शन लड़ लेगा, अगला इलेक्शन लड़े, इमीडिएट लड़े, जिमनी इलेक्शन लड़े, जो भी लड़े। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये भूल भलियों से पतली गली से निकल जाना, अब कॉन्स्टिट्यूशन और आईन और कानून ने हर जगह लाइन लगाई हुई है, सुरंग लगा दी है, ये नहीं पाक सकेंगे, 172 चाहिए इनको, चाहिए नहीं इनके पास, ये सुबह बुलाए ना पार्टी मीटिंग, सुबह अपनी पार्टी मीटिंग बुला ले, वहां आपको बुला ले, कहेंगे जी ये 172 बैठे हुए हैं, बात खत्म हुई, असेंबली का प्रोसेस ही हम चलो कहेंगे ठीक है, भाई आप तो अभी तक 100 भी नहीं इकट्ठा कर सके अपनी पार्टी का बंदा, सही, बिखर गई है पार्टी, ये पार्टी थी नहीं, ये एक मजमा ग्रोह था जो इकट्ठा किया हुआ था। चले मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जो है ना किसी ने किया था बिखर गया है, कमों का हिसाब से जवाब लेता हूँ कि जब मजमा मुंतशिर हो गया और 172 बंदे इकट्ठे करके दिखा दें, चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, राना तनवीर साहब, फैजुल्ला कमोका साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब मेरे मेहमान हैं। कमोका साहब, ब्रेक पे जाने से कब राना साहब ने कहा 172 बंदे जमा कर दें आप,
और फिर आपके बंदे कुरान पे हल्फिया आप बयानात दे रहे हैं, कुरान उठा उठा के कह रहे हैं कि जी हम पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पैसे लेने का हमने एक रुपया नहीं लिया, ये क्या है? और फिर आप उन्हीं को दावत भी दे रहे हैं, एक तरफ ज़मीर फरोश कहते हैं, फिर कहते हैं वापस आ जाओ कुछ नहीं कहा जाएगा। देखिए इसमें मैं गुजारिश करूँ, मेरे बुजुर्ग हैं राणा साहब, उन्होंने बात की है पॉलिटिकल बात, तो मैं भी पॉलिटिकल बात ही करूँगा। अब तक जो पीछे तहरीके इंसाफ के इकतदार में आने से पहले जी जितने केसेस बने, इन्होंने एक दूसरे को जेलों में भी डाला, एक दूसरे के ऊपर रेफरेंसेस भी बनाए, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए, यानी जो एक पॉलिटिक्स के अंदर गंद हो सकता था वो सारा इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर किया। तो एक इमरान खान एक ऐसी ताकत बन के उभरा, पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि ये तो मतलब हो रहा है कि एक बारी आपकी और एक बारी मेरी, तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। तो ये तो जो है पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया, पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोट लेके आए, नहीं बासित बुखारी का, जैसे राणा साहब ने कहा इंडिपेंडेंट जीते बाद में शामिल हुए गफार वट्टो साहब। कुछ लोग तो वो हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पे जीत के आए, ठीक। दूसरे वो लोग हैं जिनको मौका दिया गया कि आप अपनी पार्टी चुन लें, उस वक्त उनके पास मौका था, टाइम था, वो चुन लेते। तो जिन लोगों ने तहरीके इंसाफ का फॉर्म भर के दिया और उन्होंने जो है वो तहरीके इंसाफ में शामिल होने का ऐलान कर दिया, तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में अपनी मर्जी से शामिल हुए। वो नून लीग में चले जाते, वो काफ लीग में चले जाते, वो पीपल्स पार्टी में चले जाते, किसी ने रोका तो नहीं था, तो वो भी तहरीके इंसाफ का हिस्सा खुद बने। अब अगली बात जो कह रहे हैं अदलिया के पास जाना, ये कोई खिलाफ आइन बात है? अगर किसी चीज के ऊपर इबहाम है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें कौन सा ऐसा इदारा है? मुझे राणा साहब और खोसा साहब दोनों बड़े सीजनड और बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, खोसा साहब वकील भी हैं माशाल्लाह, बड़े हमारे नामवर वकील हैं पाकिस्तान के, चंद बड़े वकला में इनका शुमार है। तो ये बता दें कि अगर किसी जगह पे आइन खामोश है तो आपने तशरीह के लिए या उस चीज की वजाहत के लिए आपने कहाँ जाना है? हमने सुप्रीम कोर्ट ही जाना। और इस अपोजिशन कहती है कमोके साहब के आइन बिल्कुल क्लियर है, डी सीट लिखा हुआ है, आप डी सीट को डिसक्वालिफिकेशन के साथ कन्वर्ट करके टेक्निकल डिले कर रहे हैं। ये देखिए बात सुनिए, ये तो मेरा राइट है ना अदालत में जाने का, उसको तो कोई ठीक बात कोई बता। बात ये है अब इसके ऊपर अदालत जो है वो फैसला दे देगी, एक रास्ता बन जाएगा। ये मैं तो कहता हूँ यकीन कीजिए कि हम सबको मिलके इन सुराखों को बंद करना चाहिए। चले खुशा साहब अब ये सुराख बंद हो जाने दें, एक दफा कमोका साहब कहते हैं है मेरा लीगल राइट, मुझे इस्तेमाल करने दें। अगली बात सुन ले, मैं कोई वो कोई भी फैसला तो नहीं है, ठीक। एक जज साहब की रिमार्क्स आए हैं ना कि वोट पार्टी का है, किसी शख्स का वोट नहीं। अच्छा, है लेकिन चले अभी आगे चल के देखते हैं अदलिया इसके ऊपर क्या फैसला लेती है, कौन सा रुख इख्तियार करती है। बाकी एक सियासी लड़ाई है। मैं आपको एक तारिक साहब बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं, राणा साहब को भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं और खोसा साहब को भी सुन रहे हैं। बात ये है कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है इस मुल्क की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सारी जितनी ये पार्टियां स्टेटस को की पार्टियां एक साइड पे खड़ी हैं और इमरान खान अकेला इनके सामने खड़ा है, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ हमारे लिए इक्तदार कोई माने नहीं रखता। हम जो तहरीके इंसाफ के नजरिए के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, हमने तो बड़ी लंबी अपोजिशन देखी है। राणा साहब यही तो कहेंगे जो नजरिए के साथ वाले नहीं थे उन्होंने भाग जाना है इस पूरी सूरत हाल में, आपके नजरिए वाले तो थे ही नहीं, वो तो जो इधर उधर से आए थे वो सब भाग जाएंगे। बात सुन लीजिए, सियासी पार्टियों में तो लोग आते रहते हैं ना, किसी के किसी पाप आने से नहीं रोक सकते, ठीक। बात ये है हम भी नहीं रोक रहे, हम कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पे हैं या जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्वाइन किया वो रिजाइन करें, ये इलेक्शन लड़ के तो राणा साहब की पार्टी से इलेक्शन लड़ लें, पता चल जाएगा कौन पोजीशन में है। चले खोसा साहब से जवाब ले, अब खोसा साहब से जवाब ले लें जी। खोसा साहब अब जो कानूनी बात की कमोका साहब ने, देखिए पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 186 में जो ये गए हैं रेफरेंस अदालती लेकर,
ये कोई इनके इस्तेहकाक या हक वाली बात नहीं है किसी शहरी के, और ये कोई इबहाम जिसको ये मुतसवर कर रहे हैं कि आर्टिकल 63A में इबहाम है, तो ये बिल्कुल कोई इबहाम नहीं है, इसलिए कि मोहतरम इमरान खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट से रजू कर चुके हैं गुलालई, आयशा गुलालई के केस में, और इन्हीं की अपेलेंट है और वो रिपोर्टेड जजमेंट है बनाम इमरान खान न्याजी चेयरमैन पीटीआई, और उस वक्त ये खुद भी थे, और बनाम आयशा गुलालई, उसमें बड़ा वाजे सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मुस्तरद की मोहतरम इमरान खान की वो जो है काविश को कि उसको एक डिक्लेरेशन दी जाए कि वो डिफेक्ट कर गई है आयशा गुलालई और उसको डीसीट नहीं किया गया। अब इसमें तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर, और अटॉर्नी जनरल ने भी जैसा आपने कहा, मैं तो खुद अदालत में मौजूद था, उन्होंने कहा जी किसी को वोट देने से रोका नहीं जा सकता, एक तो ये कह रहे हैं कि क्या वो शख्स जो डिफेक्ट कर गया है, डिफेक्शन इनके अपनी जहनी इफ्तरा है, ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, डिफेक्शन जो है वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसकी तारीफ कर दी गई, हर चीज पर जो है जमीर की आवाज के मुताबिक बात करना या इजहार राय करना आईन की आर्टिकल 19 भी है जिसमें बुनियादी हकूक के तौर पर हर शख्स को, और हर शख्स में MNA भी होता है, पार्लियामेंटेरियन भी होता है, तो उसको ये कदगन नहीं लगाया जा सकता। अगर उसकी जबान बंदी ही करनी मकसूद होती तो फिर पार्लियामान की क्या जरूरत थी, फिर पार्टी ही फैसला करती और हेड ऑफ द पार्टी एक फैसला कर देता और फिर बहस व तमीज की जरूरत ही नहीं थी। तो देखिए उसमें कह दिया कि अगर वो वोट देने के बाद पार्टी के फैसले के बरअक्स वोट देता है तो उसको पार्टी हेड जो है वो नोटिस देगा पहले उस मेंबर को, उसकी नोटिस पर जवाबदही के बाद, जवाब तलबी के बाद, फिर वो अगर समझ मुतमइन नहीं होता तो वो स्पीकर को जो है रेफरेंस करेगा कि डिक्लेरेशन देकर, और स्पीकर जो है वो फिर भेज देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो राणा साहब यही तो कह रहे हैं खोजा साहब कि वो आदमी अपनी सीट कुर्बान करने के लिए तैयार है, वो तंग आ गए इतने, वो जान छुड़ा के अपनी जी 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 सही है, सही है, और यही बात हुई कि अगर इलेक्शन कमीशन हतमी तौर पर फिर ये कहती है कि उसने डिफेक्ट कर लिया है और डिक्लेरेशन पार्टी हेड का तस्लीम करती है और फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट अगर एक डिक्लेरेशन को तस्दीक कर देती है तो फिर वो हतमी तौर पर डीसीट होता है, वो भी ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सीजेज का लफ्ज है, सीज का मतलब है उस वक्त के लिए वो उसका मुनकते हो जाता है, वो कल फिर दोबारा इलेक्शन अपने आजादाना तौर पर या किसी पार्टी के टिकट पर लड़ सकता है। देखें सुप्रीम कोर्ट ना तो री राइट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ना उसमें जबर जेब का इजाफा या कमी कर सकती है, और उसकी तशरी अगर वाजे हो तो फिर किस लिए आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर ये कहते हैं उस पर लाइफ बैन यानी उम्र कैद की उस पर बंदिश लगाई जाए। अरे भाई उम्र कैद की बंदिश तो 62 में लगती है, ये तो 63A का है, ये सीजेस टू बी अ मेंबर, यहां तो वो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि डिक्लेरेशन दे रहा है जो उसने कहा हो, कोई अखफा किया हो, कोई झूठ बोला हो, कोई दरोगोई की हो, वो तो खाइन तब होता है अगर ईमानदार नहीं है, अगर सगेशियस नहीं है, नॉन प्रोफ्लिगेट नहीं है, अमीन नहीं है, खाइन है, तो फिर जाके आप उस पर लाइफ बैन लगाते हो। इसमें तो वो अपनी जमीर की आवाज पर अगर वोट देता है पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ तो ही सीज टू बी अ मेंबर, उसकी तजवीज कर दी गई है आईन कि भाई उसकी सीट से सबक दोष हो जाए। राणा साहब दैट इज ऑल अबाउट इट, तो इसमें कौन सा इबाम है, थोड़ी सी इबाम ऐसा कोई भी नहीं है। थोड़ी सी खबरें राणा साहब का मौका साहब को दे दें कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में राणा साहब कितने और बंदे इनके हैं जो आपसे रब्ते हैं, सुना है अब तो कुछ लोग रब्ते कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं कि नहीं भाई साहब बस भर गई है अब जरूरत नहीं है, ये आपको हम टेक्निकल ग्राउंड पे ले नहीं सकते, ये क्या मामला है? पहले तो जो खोसा साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन में है ही सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, वही वो जो उस वक्त प्रेजेंटली है वो खत्म हो जाएगा अनलेस कि वो जिमनी इलेक्शन में, उसी जिमनी इलेक्शन में आ सकता है जो सीट खाली होगी, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ मौका साहब को, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो किसी पार्टी पे खड़ा हो वो उसकी अपनी चॉइस है, इलेक्शन लड़ सकता है वो। लेकिन जो बात आपने की है कि कमोगा साहब को मैं ज्यादा वो नहीं को शौक देना चाहता, मैंने पहले कहा है कि ये पीटीआई मैंने शुरू से, आज नहीं कह रहा,
मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ बिल्कुल, ये कि आज की हमारी सोच नहीं है। हम कहते थे ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मजमूआ है मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके जो इलेक्टेबल्स थे, या उनका नजरिया या उनकी कोई फिलासफी इस पार्टी के साथ नहीं थी। वो लोग आपके सामने हैं और अभी भी, अभी लोग तो कहते हैं कि जो कैबिनेट के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं बड़े अहम मेंबर कैबिनेट के वजरा, वो भी भाग जाएंगे। तो ये इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। ये जब इजलास बुलाएंगे या पार्टी मीटिंग अपनी बुलाएंगे उस वक्त उनको पता चल जाएगा। अच्छा राणा साहब, आज अपोजिशन वाले हमारे साथ हैं, पता चलेगा अपोजिशन के कितने लोग जो है ना उनके साथ नहीं है। तो ऐसा भी है कि कोई आपके बंदे उधर मिल गए हों हुकूमत के साथ जाके? एक भी नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपको, आपसे बड़ा अच्छा आपने कर दी है, अगर ये कहें कि इनके 8-9 मेंबर अपोजिशन के, इनके डिफेंस मिनिस्टर ये कहें कि मेरे साथ हैं, मैंने तोड़े हुए हैं, तो वो शर्म वाली बात नहीं है, वो ऑस्ट्रेडिंग नहीं है। ये तोड़े या ये प्रोवेंशियल असेंबलियों में बंदे इकट्ठे करें, इनके चीफ मिनिस्टर उनको फंड दें और वो कहें हम आपके साथ हैं PMLN के या पीपल्स पार्टी के पंजाब में। अगले दिन एक बड़ा इश्तिहार चला रहे थे टीवी पे, कोई रईस नबील रईस है कोई MP पीपल्स पार्टी का, वो मिला चीफ मिनिस्टर से, क्या बात, वो सब ठीक है। ये कोई फरिश्ते हैं मखलूक है कोई आसमानी के जो ये जितने भी सिन करें सो कर जो उनको ये कहते हैं सिन समझते हैं वो, इन पे तो हर चीज ठीक है। ये झूठ बोले, ये तबाह कर दें हर चीज, ये वायलेशन करें कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हॉर्स ट्रेडिंग करें, ये इलेक्टेबल्स पकड़ के इनको कोई खड़ा कर दे सिलेक्ट कर ले, तो वो सब ठीक है। जब दूसरा कोई अगर कोई इनका मेंबर अपनी आवाज पे कहे कि यार पाकिस्तान डूबता हुआ हम नहीं देख सकते, हम अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो ये जुलूस निकलवाए उनके खिलाफ, ये उनके लोटे बरसाए। हमने तो इनके जो MPA इन्होंने लिए हैं लोटे नहीं हुआ उनके उनके दरवाजों पर लेके गए, हमारी तो फिर भी कोई कदर है कि यार सोसाइटी है चले कोई नहीं। तो ये उससे मेरे ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं कहता हूँ बड़ी हिम्मत है कि वो कहते हैं हम सजा लेने को तो तैयार हैं। राणा साहब उनकी शादी, उनके रिश्ते नहीं होंगे, उनके बच्चे उनको बोलेंगे, शादियां नहीं होंगी, मैं फिर उस पे बाद में नहीं जाऊंगा। तो इनकी तो मेरा ले आधी PTI के जो नजरियाती लोग हैं या जो बड़े कहते हैं कैबिनेट के मेंबर, उनके रिश्ते पता नहीं फिर कब होंगे, जो जो वो हरकतें करते हैं वो मैं नहीं कहता कुछ। ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या मसीहा बन के आ गए हैं, रिश्ते नहीं होंगे, स्कूल में उठे करेंगे, फूटिंग तो आपको हो रही है, आपके MNMP हल्कों में जाए तो वहां लोग आगे से अंडे बरसाते हैं, जूते फेंकते हैं, सियाँ फेंकते हैं, मौका साहब पे नहीं फेंकते होंगे। मैं बता रहा हूँ तो शरीफ आदमी है, कमोका साहब शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा कुछ भी हो जाए। शरीफ आदमी, आप शरीफ आदमी, आपकी जगह उधर नहीं है, आप वापस आ जाए कमोका साहब, वक्ती तौर पर चले गए थे। इनको ख्याल था के लिए आएगी नहीं, इनकी सोच ठीक होगी कि पता नहीं पाकिस्तान में इंकलाब आएगा या दूध शहद की नहरें बहेंगी, हम बड़े मजबूत हो जाएंगे, $200 बिलियन मुल्क में आ जाएगा, वो सारी चीजें आपके सामने है ना, बिजली सस्ती हो जाएगी, यहाँ से तेल निकल आएगा। वो पता याद है आपको, इमरान खान साहब ने कहा कौम को मुबारक हो वो वहां से गैस मिल गई, वहां से गैस मिल गई, कौम को मुबारक हो तेल निकल आया, बहुत बड़ी मुबारक, ओहो क्या हो गया पाकिस्तान में, क्या हो गया। चले क्या बात है, कमोका साहब, राणा साहब ने बड़ी नहीं हुआ जेनरस ऑफर कहने दे जी, कहते कमोका साहब आपके तो क्वाद पे पूरे नहीं उतरे इमरान खान, आपकी सोच के मुताबिक नहीं चले, आप वापस आ जाएं, ये तो हक है आपका। चले यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है। राणा तनवीर साहब, फैजुल्ला कमोका साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे मेहमान हैं। कमोका साहब देखें, बड़ी दर्द मंदाना ऑफर है राणा साहब की आपके लिए। अच्छा राणा साहब को मैं इस मुल्क का वास्ता दे के मैं इन बुजुर्गों को कहता हूँ, सारी जिंदगी आपने को, अब आप खुदा के लिए कुछ सोच लें, छोड़ दें इन चीजों को, निकल आए इनसे। एक बंदा ईमानदार इस मुल्क की क्यादत करने वाला, मैं समझता हूँ अगर जुल्फकार अली भुट्टो के बाद किसी ने पाकिस्तान की बात की है कायदे आजम और जुल्फकार अली भुट्टो के बाद, तो वो इमरान खान है। कितने अरसे के बाद कितनी OICs इन्होंने कराई हैं पिछले 30-35 सालों में यहाँ पाकिस्तान के अंदर, कितना इन्होंने नाम रोशन किया है दुनिया के अंदर पाकिस्तान का।
क्या आपके प्राइम मिनिस्टर पर्चियां लेके बैठे हुए हैं और जो है वो ओबामा को मिसेस ओबामा कह रहे हैं? यानी मैं कहता हूँ लेवल देखें, क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन, ये इन्हीं लोगों को तो अगर बदल के लेके आए थे, एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई थी, इमरान खान साहब उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे। राणा साहब कहते आप भी एक नजरिए के साथ गए थे, दिल पे हाथ रख के बताए कि वो हुई पूरी। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं जाती तौर पे मैं 100% नहीं 110% मैं मुतमइन हूँ, इमरान खान जिन माफिया के साथ लड़ रहे हैं ना, माफियाज हैं, आप यकीन कीजिए हर जगह के ऊपर। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां, अब राणा तनवीर साहब करे ना नून लीग के जो लॉन्ग मार्च की क्यादत, ये क्यों नहीं करते? खोसा साहब जो है ये पीपल्स पार्टी की क्यादत क्यों नहीं करते? वहां पे मरियम नवाज और हमजा शहबाज के अलावा कोई लीडर नहीं है, बिलावल के अलावा वहां पे इतने सीनियर सीजनड पॉलिटिशियंस हैं, तो इनके अलावा वहां पे कोई नहीं है जो पार्टी को कर पाए, जो सही मानों में तो बात भी नहीं कर सकते। चले कमोके साहब जवाब ले ले, जवाब ले ले खोसा साहब से, क्योंकि वक्त का मैं खोसा साहब इसी का जवाब दे दें, कहते क्यों नहीं लतीफ खोसा साहब सबसे आगे खड़े हो और क्यादत कर रहे हो, ये क्यों बिलावल भुट्टो ही होते हैं, क्यों मरियम साहिबा होती हैं, क्यों हमजा होते हैं? देखिए मैं तो सेक्रेटरी जनरल था 4 साल बिलावल भुट्टो जरदारी के साहब के साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मैंने तो उस ओहदे से भी जब इलेक्शन करीब आए तो मैंने इस्तीफा दिया, मैंने कहा जी होल टाइमर आपको चाहिए, माजरत के साथ मैं वकालत में अच्छा, मेरा जो है इतना ज्यादा वक्त सर्फ होता है कि मैं हमारा वक्त जो है हमारा वक्त सियासत नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तो मैंने खुद की माजरत। देखे ये जो एक पार्टी की क्यादत है, एक खानदान के साथ, एक खानवादे के साथ लोगों का एक रोमानवी रिश्ता हो जाता है। अब शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो और उसके बाद बेनजीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो एक डायनेस्टी है और एक कुर्बानी की दास्तानें हैं, एक उनकी जो है जिद्दोजहद है, एक पूरी जिंदगी दी हुई है, किसी दुनिया की सियासी जमात ने इतनी फ्रंट फुट पर आगे से आकर क्यादतों ने अपने जानों के नजराने मुल्क के लिए कौम के लिए नहीं दिए होंगे। भुट्टो साहब को जो शहीद किया गया उनको जो है पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी मुल्क बनाने की सजा के तौर पर उनको शहीद किया गया, बेनजीर रानी बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, उसकी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, उसको भी जो है लियाकत बाग के बाहर जब वो पाकिस्तान की तकरीर बेटी करके आई थी तो वहां किया गया। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, अगर मुझे मारा गया शॉर्टली 30 सेकंड के अगले चंद आने वाले दिनों में मुस्तकबिल का मंजरनामा आपकी नजर में, इमरान खान साहब आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं और इलेक्शन नजर आ रहे हैं? देखें 100% इमरान खान साहब इज अ पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन। अब पोस्ट इमरान खान की बात कीजिएगा। अच्छा राणा साहब फिर पोस्ट इमरान खान में क्या होगा, तैयारी कर ली आपने कहीं? आप ये तो नहीं कहेंगे हमारा भी होमवर्क मुकम्मल नहीं था अचानक से हम आ गए? नहीं, देखें इस पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है जिसमें ये लेके गए हैं पीटीआई वाले या इमरान खान, इंशाल्लाह ताला कमिटमेंट है इस कौम के साथ, इस पाकिस्तान को निकालेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में एक अच्छा दौर आएगा, एक तरक्की का, खुशहाली का और इंसाफ का। मैं आपको मौका साहब तो जज्बाती बातें करते हैं लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अगर कुछ किया है तो पीएमएलएन ने 90% जितनी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिजली के कारखाने हैं, पोर्ट्स हैं, जहाज बंदरगाहें हैं या एयरपोर्ट्स हैं, आप देखें वो सारे के सारे, या इकोनॉमी, यार ये कौन सी बात करते हैं आप, इंडिकेटर्स देखें जो अमन 2018 में इनको देखें। कमोका साहब कहते हैं मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं 110% मुतमईन हूं, ऐसे कभी दिल ठीक हो जाएगा इनका भी देख लें, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो ये इमरान खान पास्ट है, ये 100% एक खोसा साहब से दुआ करता हूं, 100% इज इन आवर हिस्ट्री। कोई तो वो उनका एतमाद किस चीज का है राणा साहब, इमरान खान का एतमाद किस चीज का है? इन जैसे लोगों का फ्यूचर में सियासत में रोल भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख लें आज मेरी, इमरान खान का पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि एक दफा हटे देखे क्या होता है, कौन है जी, ये ऐसे नहीं होता जिस तरह हुआ है। कमोका साहब लास्ट सेंटेंस प्रोग्राम को, राणा साहब की बात भी लिख लें और मेरी बात भी लिख लें, इंशाल्लाह ताला हक की फतह होगी, बातिल मिटेगा। वो तो कह रहे हैं हम हक में, राणा साहब यही तो कह रहे हैं हम हक में। मैं आपको
मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इमरान खान हक पे है, इमरान खान सच के साथ खड़ा है, इमरान खान करप्शन के खिलाफ खड़ा है, इमरान खान माफिया के खिलाफ खड़ा है। चले इंशाल्लाह, ये दावा है ये जितनी पार्टियां स्टेटस को की पार्टियां हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, इनसे जान छूटेगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में दो चाहिए अक्सरियत लेके आएंगे जब भी इलेक्शन होंगे। राणा साहब आप कुछ कह रहे थे तो मैं कंक्लूड कर दूं प्रोग्राम। मैंने कहा को मौका दो, कह रहा अल्लाह माफी, अच्छा ठीक है, इमरान खान खड़े हैं तभी करप्शन जो है का ग्रेड बढ़ गया है और दुनिया में रैंकिंग में हमारा जो है करप्शन में बहुत ज्यादा माशाल्लाह मुकाम बढ़ गया है। राणा साहब दोबारा करप्शन दोबारा कहिएगा, मैं अब सुन नहीं पाया आपकी बात। मैं कह रहा हूँ ये कहते हैं ना वो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, जितनी करप्शन इस दौर में हुई है ये अल्लाह माफी। यही लतीफ खोसा साहब ने भी यही कहा कि जनाब किधर पहुंचा दिया। खोसा साहब, राणा तनवीर साहब, कमोका साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।